सो अन ऑल एक एक सवाल आता है जहन में जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं और अगेन फैंस की हुँ. बात करते हैं फैंस बड़े इन्वेस्ट हो जाते हैं यू you नो know, अपने जो फेवरेट एक्टर्स होते हैं उनमें और जब कोई ड्रामा चल रहा होता है ख़ास तौर पर अगर हीरोइन जो है उसकी बहुत फैंस हैं और बहुत पसंद करते हैं और वो सिंगल हो तो जिसके साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगती है तो वो हाँ. पेयरिंग तो वो कर देते हैं मतलब अगर तो इर्क मुश्किन चल रहा है तो दुर्र और बिलाल की पेयरिंग चल रही है और यू नो कोई भी ड्रामा अगर चल रहा है तो पेरिंग शुरू हो जाती हाँ। लोगों की अरमान तो आप नहीं रोक सकते हैं हाँ। आपके साथ भी ये होता होगा और हाँ। हुआ भी है आ, उसामा के साथ जब ज़, काम कर रही थी तब उसामा के साथ बड़ी पेयरिंग हुई थी और मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि भाई क्योंकि सब इतना सीरियस हो जाते हैं कि बस अब ये दोनों शादी कर अभी वही बात है वो एक्ट कर रहे हैं, वो, कर रहे हैं। हाँ, वो हम इतने अच्छे रियल लाइफ में एक दूसरे को पता नहीं वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ पता नहीं उस तरह से समझ पाए नहीं पाए और ये वाकई सही बात है और उसके बाद भी

बात की जाए ये पोटेंशियल है नहीं है मतलब ऐसे कभी होती होनी भी नहीं चाहिए मुझे है, जब आप काम करें वहाँ सिर्फ आपका काम ही होना चाहिए इंडस्ट्री में जोड़िया तो बहुत बनती है माशा बनी माशाला से बहुत अच्छी मुझे बड़ा अच्छा लगता है की ये जो फिर अगेन कोई बात है ना की वो उन लोगों ने उस तरह से बनाई हुई है और हाँ। उन दोनों का जो दो लोग हैं जो दो लोग साथ में हैं जैसे आयो हैं और, है और माशाल्लाह और भी जितने सारे हमारे वो कपल्स हैं तो उन दोनों के साथ में देख के अच्छा लगता है कि हाँ। जोड़ियां बन सकती हैं लेकिन कहने की बात है कि उन दोनों लोगों के दिलों में वो बात होनी चाहिए ना उसके बिल्कुल, लिए अब अगर यहाँ कोई दिल में वैसी बात नहीं और फिर जोड़ियां बना दे तो हंसेगा इंसान और क्या यार फैमिलीज़ yeah. ने कुछ और सोचा हुआ है और आप कुछ और हाँ, तो हाँ. बस एन्जॉय करते हैं फिर ठीक है अनुल आपकी करियर को एक्टिवली चार साल होए हैं उससे हाँ. पहले भी आप ड्रामे तो कर रहे हो लेकिन 2020 से एक्टिवली आपके हुँ. हर साल ड्रामे आ रहे हैं अगले 5 साल में वेयर डू यू सी योरसेल्फ और वेयर वुड यू कहाँ देखना चाहते हो अपने आप को आई सी मायसेल्फ डूइंग सम ग्रेट स्क्रिप्ट्स विद सम Amazing actors. Okay. चाहेंगे. के मैं आ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको मिल जाता है हुँ. कुछ लोग बहुत ज्यादा लकी भी होते हैं उसमें उनका लक बहुत ज्यादा काम करता है और कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो मेहनत उन्हें वो एक्सपीरियंस दे रही होती है सिखा रही होती है बिल्कुल कि फिर वो जाके अपनी सक्सेस को होल्ड कर सकते हैं या वो जहाँ जा रहे होते हैं उस चीज को होल्ड करते हैं मैं इस चीज को इस तरह से देखती हूँ और कुछ सालों बाद बस मैं यही सोचती हूँ मुल्क में हमारी इंडस्ट्री में थोड़ी तरक्की आए डिफरेंट right. तरह के और मैं थोड़ा डिफरेंट तरह का, का काम करना मतलब आप जब जब देखते हो कंटेंट बाहर का इंडिया का, का, का तो किस किस्म का आपको करता है कि ऐसा प्रोजेक्ट में मैं काम करना चाहूँ मुझे इंस्पायरिंग होना चाहिए हीरा मंडी आप पे कह लें एक एक इमेजिनरी साइक प्रोजेक्ट है जिसको आ, आप इमेजिन कर सकते हैं वो एक एंड में बड़ा उसने अच्छा एक लेसन भी दिया है कि इन आप औरतों ने बड़ा उसमें आजादी में है। उनका बड़ा या, हाथ या। था तो कुछ इस तरह का ही और एक मैंने अभी वो देखा है लापता लेडीज वो तो बहुत मज़ेदार है, है। <laughs> कुछ वैसा होना चाहिए ना कि जहां आप एक मैसेज दे रहे हो और कुछ जहाँ आपको बहुत ज्यादा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव कैरेक्टर जिससे आप रिलेट कर सकें मतलब आप रिलेट कर सकें मैं रिलेट कर सकू की यार इस तरह की लड़की बनना है इस तरह की लड़की होनी चाहिए इतनी स्ट्रॉग होनी चाहिए इस तरह के कोई कैरेक्टर्स हो इस तरह कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं लेकिन वो स्क्रिप्ट्स इतने लिमिटेड होते हैं कि एक या दो लिखे जाते हैं साल में और फिर वो माशाल्लाह हमारे सीनियर एक्टर्स हैं अभी वो उनका वो टाइम है कि वो वो स्क्रिप्ट कर सकते हैं ठीक है

अगर उन्होंने आपको बिल्कुल सही स्टोरी बता दी है ना कि ये ये है हुँ, हुँ. अगर सही बता दिए तो तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगा हुँ. अगर थोड़ा कुछ झोल हो हाँ. तो पूरा स्क्रिप्ट नहीं मिलता है कि हाँ. अगर आपको लड़की का काम कम है और जैसे मैं पूछती हूँ कि मेरे सीन्स कितने हैं प्रोजेक्ट में टोटल सीन कितने हैं और हुँ. मेरे कितने हैं और आगे जाके स्टोरी कहाँ जा रही है तो कभी कभी नहीं मिलता लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगी और उसके बाद ही करूंगी शिद्दत के बाद बीच में मैं थोड़ा बीमार भी हो गई थी तो फिर मुझे ये भी था कि मैं एक ब्रेक लूं। फिर फैमिली टाइम ईद वो सब हाँ। तो है एक दो स्क्रिप्ट है और अभी मैं पढ़ रही हूँ बस देखते हैं इनशाला क्या होता है अभी तक साइन कुछ नहीं किया नहीं अभी सिनेमा सिनेमा शौक है का शौक तो है लेकिन मूवीज बहुत कम बनती हैं बहुत, कम और जो बनती है ना वो बस

इंटरनेशनली uh, आप जब कुछ कर रहे होते ना hmm. तो वो फिर uh, उनका भी होता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा सा ड्रामा से या इन से चीजों ब्रेक लें बट hmm. मुझे ये था कि अगर मैं वो कर रही हूँ ना अगर कोई इतनी अच्छी चीज कर रही करी तो उसके साथ दूसरा स्क्रिप्ट मैं इतना अच्छा करूँ कि वो फिर यू नो दोनों अच्छा बैलेंस हाँ, हो जाए हाँ. तो वो कुछ है बट इनशाला ठीक है अनमोल तो उम्मीद है कि यूल गेट द काइंड ऑफ रोल्स जिन जो आपका दिल है कि स्ट्रांग लड़की हो यू you नो know, थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो एम्पावर्ड हो और सुने ना चुप करके डायलॉग्स भी हों बो, बोले काफ़ी बोले हाँ जहाँ इतना सुन रही है तो बोले भी बोले भी बोले भी, बोले भी लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है प्रोजेक्ट्स कम है और मुख्तलिफ रोल्स भी बहुत कम लिखे जाते हैं लड़कियों के लिए ममूमन एक जैसे होते हैं बट uh, ज्यादातर बस लव स्टोरीज़ स्टोरीज़ हैं हैं हमारे पास लव लव और और चलती भी चलती भी वही है रोमांस रोमांस स्टोरी के बीच में रोमांस की कोई उम्मीद रखें? अच्छा? हो भी प्रमोट कर नो आई मीन नो सुल्तान अगर सिर्फ होता नेगेटिव थोड़ा सा या खुद पसंद थोड़ा सा होता थोड़ा बहुत बंदे में फॉल्ट होता है ना तो वो ठीक हो, थीक हो, हो सकता है यहाँ तो एक लड़की को उसने पाल खानित किया उसके दिन चल रहे है लिखा हुआ था रेड फ्लैग नहीं क्रॉस रेड फॉरेस्ट एग्जैक्टली वैसा वैसा